देखो ये क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है। क्या कहता है? ए कॉमेंट डिस्क्राइबिंग ए पैराबोला अबाउट द सन। एक कोई कॉमेंट है वो एक पैराबोला डिस्क्राइब करता है अबाउट द सन। व्हेन नियरेस्ट टू इट, जब सन के बहुत ही क्लोज होता है, जब सन के बहुत ही क्लोज होता है, विदाउट गेन और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू टू इक्वल पोर्शंस। ठीक है, जब वो हमारा सन के बहुत ही क्लोज होता है तो वो ब्रेक हो जाता है टू इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, विदाउट गेन और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू टू इक्वल पोर्शंस, वन ऑफ विच डिस्क्राइब्स अ सर्कल, प्रूव दैट द अदर विल डिस्क्राइब ए हाइपरबोला ऑफ इसेंट्रिसिटी। इसमें से एक पोर्शन हमारा एक सर्कल डिस्क्राइब करती है और दूसरा हमारा जो पोर्शन है वो हमारा एक हाइपरबोला डिस्क्राइब करती है जिसकी इसेंट्रिसिटी 2 है। तो देखो सपोज ए कॉमेट, सॉल्यूशन देखो, सपोज ए कॉमेट डिस्क्राइबिंग ए पैराबोला ऑफ लेटस रेक्टम 4a अबाउट द सन एज द फोकस। इफ कैपिटल v बी द वेलोसिटी ऑफ द कॉमेट एट पॉइंट p नियरेस्ट टू द सन, दैट इज एट द वर्टेक्स a, देन वी हैव वेलोसिटी ऑफ पैराबोलिक ऑर्बिट का क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू बाई r होती है, यहाँ पे स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल v है और r इक्वल टू s a, वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस, सन यहाँ पे फोकस पे और आप वर्टेक्स पे, तो वर्टेक्स से फोकस की जो डिस्टेंस होती है वो पैराबोलिक ऑर्बिट में a होती है। अगर 4a उसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है तब भी तब कैपिटल v स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू बाई a हो जाएगा। लेट m बी द मास ऑफ द कॉमेट विच ब्रेक्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच ऑफ मासेस m by 2। ठीक है, अगर हमारा कॉमेट का मास m है जो कि ब्रेक होता है टू इक्वल पार्ट्स में, तो एक हमारा क्या है, दोनों का मास क्या होगा m by 2 at a, एंड लेट देयर वेलोसिटीज एट ए बी, एंड लेट देयर वेलोसिटीज, वो दो टुकड़ा होगा तो वो दो टुकड़ा का जो वेलोसिटी है वो v1 एंड v2 है। Since there is no loss or gain of kinetic energy, therefore from the principle of conservation of kinetic energy, half mv square, capital V square equal to half m by 2 v1 square plus half m by 2 v2 square. देखो calculate करके यहाँ पे v1 square plus v2 square equal to 2 v square हो गया, capital V square की value 2 mu by a हो गया, तो v1 square plus v2 square equal to 4 mu by a हो गया। देखो इसमें क्या है, इफ द पोर्शन ऑफ द कॉमेट विद वेलोसिटी v1 एट a डिस्क्राइब ए सर्कल अबाउट s, देन चूंकि एक पोर्शन हमारा सर्कल बना रहा था तो ये वेलोसिटी ने सर्कल होगा, तो वो क्या होगा v स्क्वायर बाई a वेलोसिटी इक्वल टू p, तो म्यू बाई a स्क्वायर होगा, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू म्यू बाई a, ये v1 स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करो, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू 4 म्यू बाई a, तो v1 स्क्वायर की वैल्यू म्यू बाई a, तो यहां से v2 स्क्वायर की वैल्यू 3 म्यू बाई a आया जो कि ग्रेटर देन है 2 म्यू बाई a से, तो 2 म्यू बाई a हमारा एक स्टैंडर्ड है, अगर इक्वल होती है v स्क्वायर इक्वल होती है तो पैराबोला होती है, लेस देन होती है तो इलिप्स होती है, ग्रेटर देन होती है 2 म्यू बाई r से तो हमारा हाइपरबोला होता है। तो देयरफॉर द पोर्शन ऑफ द कॉमेट विद वेलोसिटी v2 एट a डिस्क्राइब ए हाइपरबोला ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a1, तो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन हाइपरबोलिक ऑर्बिट एट पॉइंट ए इज, तो एट पॉइंट ए पर क्या होगा v2 स्क्वायर इक्वल टू म्यू 2 बाई ए प्लस 1 बाई a1 हो जाएगा, यहां से v2 स्क्वायर की वैल्यू रखो 3 म्यू बाई a, कैलकुलेट करो तो a1 इक्वल टू a है, तो दस द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज 2a इक्वल आए, इफ 2b बी द लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस ऑफ दिस हाइपरबोला एंड स्मॉल e बी इट्स इसेंट्रिसिटी, देन फ्रॉम ये फॉर्मूला है हमारा h इक्वल टू vp, तो ये फॉर्मूला अंडर रूट म्यू एल इक्वल टू वी टू पी से हो जाएगा, यहां से देखो h की वैल्यू होती है अंडर रूट म्यू एल, यहां से वी टू स्क्वायर का स्क्वायर करो तो वी टू स्क्वायर का वैल्यू 3 म्यू बाई a, l की वैल्यू बी स्क्वायर बाई a, म्यू कटेगा, यहां से e की वैल्यू आ जाएगी हमारे। ठीक है,